मैं चिनाव रचना मैं चिनाव रचना हाँ से हाय बीच में से स्नो फॉलिंग यहाँ से आ गई भाई Giving you the surprise. Hey, it's me, Adar Khan. Welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और सबका सही जा रहा होगा. क्योंकि आज मेरे साथ है मंसूर. आज हमने थोड़ा सा enjoy करने के लिए घर से निकले. क्योंकि घर वालों को पता भी नहीं है आज. जल्दी जल्दी सुबह निकले. और सरप्राइज ये देना चाहता हूँ कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह की सैर करवाना चाहता हूँ जो कि शायद ही आपने देखी हो. We have to go there. See. उस पहाड़ पे जाना है हमें actually. जगह गंडोला में जाने वाले हैं. गंडोला मुझे लगा हम पैदल जाए तो पैदल बहुत ज्यादा मजा ही आएगा. अच्छा, मैं आपको पैदल ही भेजता हूं. नहीं पैदल. साथ में क्या क्या सामान उठाना पड़ता है देखा. चलो देखते हैं. आज यहाँ पे उतनी सारी भीड़ भी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे आज मजा भी नहीं आने वाला. इसलिए हम ज्यादा दूर ही जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी द व्लॉग हैजंट बीन स्टार्टेड फ्रॉम माय होम. इसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ क्योंकि सरप्राइज था तो इसलिए सब कुछ पहले से ही प्रिप्लानर नहीं था. चलो स्टार्ट. ये शूट अभी एक घंटे के बाद हो रहा है. हम अभी चल रहे हैं यहाँ से. थोड़ा इंजॉय भी किया, चाय वगैरह भी पी हम लोगों ने. एंड ये मतलब वाइड एंगल में शॉट उठा रहा हूँ. पूरा गुलमर्ग दिखाई देता है आप लोगों को इसमें. एंड इस साइड से मुझे ना इनको दिखाने में मंसूर तू. ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से. एंड द होल इज गुलमर्ग. यहाँ से जो एक चरे वगैरह की सरे गुलमर्ग. ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे यहाँ पे. वाओ द सीन यार. वो जो देख रहे हो ना आप, वहां पे जाना है एक्चुअली हमें. आज हम एक जगह का नाम है वहाँ पे जो एंड हो रहा है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उनको, जो पेड़ वगैरह एंड होते हैं ना, उसका नाम है कुंगडोरा. एंड रात हम वहीं पे स्टे करेंगे आज रात. एंड सुबह हम चलेंगे उस पे ये जो अफरवट है ना, मतलब द पीक. उस पे स्नो दिख रहा है आप लोगों को. एंड टुमारो विल स्टार्ट अवर जर्नी टुवर्ड्स दिस माउंटेन. सो बी विद अस. क्या जोड़ी है. अभी मौसम सुबह का है. सुबह का सीन चल रहा है अभी. सो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सुबह सुबह यहाँ पे पहुंच गए. ये दूध है. हम चल रहे गंडोला की ओर. एंड उसके बाद गंडोला में चढ़ेंगे. उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे फरवट पे. आई मीन गंडोला पे. बस इसे ओके देन देयर इज नो प्रॉब्लम. दिस इज गंडोला. लेट मी शो यू. Thank you.
आपण त्याला रेडी आहे सर. गेट इन. जा रहे ऊपर की ओर. महाराष्ट्र मुंबई. वुड लाइक टू वेलकम प्लीज. एंड यहाँ से कहाँ से आए हो आप टूर के लिए? पर वैसे हूँ सांगली से, छोटा गांव है मुंबई में. हुआ अभी दोनों टिकट है हमारे पास. अच्छा दोनों टिकट है. सो कितनी बार आए यहाँ पे? मैं पहली बार आया हूँ. कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है. मेरा तीसरा चौथा दिन है यहाँ पे. आज थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? कुछ तकलीफें होती है आपको यहाँ पे? नहीं नहीं. यहाँ पे वैसे कश्मीर के लोग बहुत साफ है यार, मस्त है एकदम. लोग अच्छे है. मीडिया वाले कुछ भी दिक्कत है मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं. सिंपैथी इम्यूनिटी वगैरह सेफ लगता है. हाँ एकदम सेफ है. बहुत कोऑपरेट हुए लोग. एक ही जगह अटक गए ना. इसको सही कर पाए थे बस बंद. अभी हम बाहर निकले गंडोला से तो फर्स्ट पे फेज में पहुंच गए हम. यहीं पे अभी देखेंगे क्या होगा. चाय वगैरह पी और क्या. ढेर सारे लोग हैं यहाँ and so red. let's go chhod me na. Aaj bas barish hai, barf hai, hum nahi bad. और पैदल आना हो तो इस रोड से आते हैं जिससे यहाँ से घोड़े आ रहे हैं ना. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. अभी जैसे यहाँ पे स्नो फॉलिंग हो रही है अभी मस्जिद में जा रहा हूँ मैं. वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी है मुंह धोने के लिए. आई एम गोना बी फ्रेश नाउ एंड उसके बाद आपके साथ मिलता हूँ मैं. अच्छे से मजा करेंगे आज. तो अभी हम फ्रेश होके निकले हैं यहाँ से. तो आप सोच रहे होंगे कि ये बर्फ बारिश कहाँ से आ गई. आई एम गोना टेल यू दिस थिंग इन डिटेल. अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको. लेकिन उससे पहले अभी मैं चाय वगैरह ब्रेकफास्ट कर लूँ. उसके बाद मैं आपके साथ अच्छे से बात करूँगा कि स्नो फॉलिंग कहाँ से होगी. बीच में व्लॉग 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 के बीच में से स्नो फॉलिंग कहाँ से आ गई भाई. सो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है अभी. सो मैं क्या कहना चाह रहा था आप लोगों को, कल एक्चुअली फ़ोन में कुछ ख़राबी आ चुकी थी एंड फ़ोन डाउन भी हो गया था मेरा. तो उसकी वजह से कल मैंने पूरा व्लॉग कंप्लीट नहीं किया जिसकी वजह से आज सुबह सुबह यहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिल रहा है. और मौसम थोड़ा फॉगी फॉगी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ऊपर के पहाड़ भी दिखाई नहीं देते. इसकी वजह से थोड़ा सा अभी मौसम ख़राब है. अभी एक दो घंटे के बाद कम्प्लीटली क्लियर दिखाई देगा जैसे अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा.
यहाँ से अपॉर्चुनिटी रेस्टो जाम एकदम ठीक है कि ना छिन से सो क्या हुआ कि एक्चुअली मैं सुबह उठा, मैंने सोचा कि अभी सुबह से स्टार्ट करूँ, यही व्लॉग कंप्लीट करूँ, नया बनाने का इरादा नहीं। सो सुबह उठा तो मैंने सफ़ेद चादर देखी यहाँ पे, जो कि आपको दिख रहा है अभी, वो ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगी, सो इसलिए मैंने जैकेट पहनी है। चलो देखते हैं ये टूरिस्ट कैसे खेल रहे हैं स्नो के साथ और सवारी कर रहे हैं। सुबह सुबह इतनी सर्दी में ये सब Hey, hi. Say hi. Hindi or English? You're speaking Hindi or English? Hindi. How do you feel in Singapore right now? This is so nice actually. This and, environment has been so... कल स्नो के बगैर चादर स्नो के बगैर थी जमीन और आज स्नो बर्फ ही बर्फ है इस पे। आपको महसूस कैसा हो रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? लकी है हम लोग क्योंकि आज स्नोफॉल हुआ। या आप इसी का इंतजार कर रहे थे एक्चुअली? हाँ इसी का इंतजार और इसी के लिए आए हैं कश्मीर। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमें 7 दिन। वाओ नाइस, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। Where are you from? We are from Delhi. Yeah, nice to meet you. And khana kaisa raha aapka yahan pe Las Vegas mein? Acha, bahut acha. How do you feel the snow falling right now? Very good. It's very nice right now. It seems it's morning right now, but it's afternoon because of the weather right now. And anything specially about this Kashmir you want to say? Bas, so happy here to see. It's like a mini Switzerland actually. Yeah, yeah. Have you seen any place like this Kashmir, especially in India? In India, not. I have been in the Oli. It's very nice, yeah. And snowfall is nice. What about this Kashmir? But Gulmarg is really. It's charming. And you have to repeat a line in Kashmiri with me. What was your name? Rachna. Rachna. मैं आपको कश्मीरी में ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम रचना है और आपको कश्मीरी में वो लाइन रिपीट करने में मेरा नाम रचना हाँ नाइस यू आर गोना स्पीक कश्मीरी वेल एंड यू विल स्पीक ना नाइस टू मीट यू थैंक यू सो मच थैंक यू आसिफ भाई क्या करने जा रहे हैं हम एक्सपीरियंस करेंगे ठीक 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 ओ तेरी क्योंकि मैंने ट्राइपॉड यहाँ पे साथ में नहीं लाया अंदर रखा है मैंने होटल में तो इसीलिए हाथ से ही फोन चलाना पड़ता है यहाँ पे वीडियो उठाना पड़ता है और फोन भी डाउन है ये आप देख सकते हो इसके हाथ में क्या मतलब हथियार है फावड़ा फावड़ा आगे वाला पेटी जहाँ से पानी अंदर को आ सकता था ओ यार ये थोड़ा भाई इसको चारों तरफ नाली खोदनी है पानी सारा एक गीला हो जाएगा ये थोड़ी वो अंदर सूखा है अंदर की गीला डार्लिंग ले
उठा उठा जल्दी जल्दी यहाँ से थोड़ा साफ करिए, थोड़ा सा उठा ले यार, थोड़ा और ज्यादा और खोद, और नहीं खोदना है। क्यों साइड पे तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मंसूर अभी लगा है नाली 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 खोदने के लिए एक्चुअली। तो ये रहा हमारा टेंट एंड फाइनली दो तीन लोग गए अंदर सामान ले आने क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फ हो गई थी यहाँ पे, स्नो हैवी स्नोफॉल हो गई थी जिसकी वजह से हमने फिर रूम में ही शिफ्ट किया था। आप लोगों को पता ही है तो फ़ोन भी डाउन हो गए थे जिसकी वजह से मैंने व्लॉग कंप्लीट नहीं किया था। यहाँ पर पावर चप्पल आई है, चलो मिलते हैं अब शाम के वक्त पे, अभी थोड़ा सा काम कर ले हम उसके बाद मिलेंगे अच्छे से। आज फायर कैंप भी करना है हमें, जस्ट वेट फॉर दैट। इतनी दूर वहां पे इतना लाइट है, लाइट अच्छा रहा काम में मोबाइल का मेरा। तुम्हें पता है गुलमर्ग नाम किसने रखा है इसका? पता नहीं है आपको? नहीं, वो तो ये तो मैंने रखा है यार यह है साउंड स्प्रिंग यहाँ का। क्या है? साउंड स्प्रिंग नाम भी दिया इसका मैंने। सात साइड से पानी आता है इसमें, ये देखिए गौर से देखिए इसमें क्या है, पैसे है इसमें पैसे। सो जैसे कि आप मुझे देख रहे हो यहाँ पे आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है क्योंकि इसकी वजह से मुझे जुकाम हो रहा है यहाँ पे स्नो की वजह से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुलमर्ग जो है इसका पहला नाम गुलमर्ग नहीं था, इसका पहला नाम था जो वो गुलीमर्ग था, गुलीमर्ग। एंड उसके बाद ये रिनेम हुआ, वो रिनेम किसने किया? यूसुफ शाह ने किया, जो कि रूल करते थे कश्मीर में आई थिंक इन 1579 आई थिंक सो। उसकी वाइफ जो थी उसका नाम था हबा खातून, यू नो वेल हबा खातून कौन थी? हाय हाय देयर ब्रो। यस, जब आपने ये सिकी गाड़ी की तो आपको कैसा लगा? या मैं तो गुलमर्ग के नीचे आया था, टंगमर्ग पहुंचने वाला था मैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कंट्रोल करना है, ब्रेक कहाँ है भाई? ब्रेक तो पाँव से देना पड़ता है, पाँव से थोड़ी यार, ये इसलिए से बदतर हो गया मेरा। हम तो घने लगे, अब शायद हम सेकंड फेज पे जाने वाले हैं फॉरवर्ड। क्यों? वहीं पे जाएंगे। हाँ वहाँ पे जाना है, थोड़ा मस्ती करेंगे। उसके बाद दूसरा पहाड़ है ना, उसके बाद पाकिस्तान आता है ना। हाँ पाकिस्तान कितना दूर है यहाँ से? आई थिंक 28 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। बैंक ने बोला 28 किलोमीटर, से 7 किलोमीटर। बैंकॉक लेक पे जाएंगे,
और वो जो है ना उसका नाम क्या है, अल फतरनाक कहता है कि अगर उससे पत्थर मारेंगे तो वो उसके सेंटर में पड़ता है, मतलब बराबर गिरता है वो, क्यों उसके साथ, मतलब वो मुझे पता नहीं है, वो ऊपर वाले ने शायद बनाया नहीं है, वो ऊपर वाले ने शायद बनाया है। हाँ ओके, बंद कर। हैदर भाई, भाई को अरे उस साइड से जाते हैं ना, सेकंड फेज ये वाला है, अभी वहां से जाएंगे, अभी बंद है।